हरिओम हरिओम। शहर के सुप्रसिद्ध सिटी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नित्य की हमारी होने वाली मुलाकातें, इस विषय से संबंधित उठने वाले भिन्न भिन्न सवाल, लोग अपने मन के एक भाव को खोल रहे हैं, विचारों का आमोद प्रमोद हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को एक जो भी मुझे ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है ज्ञान, जो मेरी विश्वस्त धारणा में मेरे सत्य स्वरूप जिसे मैंने अनुभव से माना है, पिछले 25 सालों से लोगों की सेवा में एक अभिप्राय की तरह मेरे सामने मेरा हौसला बढ़ाया है, उस विषय को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप दर्शकों का कि आप इस विषय के प्रति अपनी रुचि को निरंतर हमें भेज रहे हो, और अपनी शुभ भावना भी हमारे साथ हम हमेशा महसूस करती है। आज दिनांक है 6 सितंबर 2020, यह भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी है। आज रविवार, नक्षत्र है अश्विनी। यह सर्वरी शर्वरी नाम संवत्सर का भी पितृपक्ष मानो, जो अश्विनी नक्षत्र पर आज चतुर्थी श्राद्ध संपन्न करा सकते हैं। आज के दिन श्राद्ध पक्ष में क्या बताना कि एक श्रद्धा से मनाया जाने वाला पर्व भी कहते हैं। खासकर जैसे नदियों ने अभी प्रकृति में सभी कचरा समेट के आगे लेकर गए हैं, वैसे भी हम हमारे मन का कचरा, हमारे घर का कचरा सब बाहर निकाल के हमारा प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, पश्चाताप या क्षतिपूर्ति करा के तर्पण का लाभ प्राप्त करा सकते हैं। हम हमारे स्वभाव के दोषों को, हमारी आदतों को, हमारी जय पराजय की कल्पना को, या हमारे नारी नारी के प्रति दृष्टिकोण को सुधार कर खुद की नज़र में उभर भी सकते हैं। आत्म परिष्कार का यह पर्व बहुआयामी है। इसकी व्यापकता भी सभी ग्रंथों में दी गई है। आप सभी लोगों को आज के चतुर्थी श्राद्ध को, क्योंकि चतुर्थ मतलब 30% हो गया चंद्र का हिस्सा, यह बहुत ही एक शक्तिशाली तिथि समझी जाती है, जिससे व्यक्ति खुद को एक रिक्वेस्ट मोड में या आदेश मोड से निकालकर एक आज्ञाकारी मोड में लाता है, वह चतुर्थी होती है। आज का नक्षत्र है अश्विनी। यह मेष राशि में प्रारंभ होता है, प्रथम नक्षत्र है 27 में से। इसके चारों भी चरण बड़े ही शुभ और अहंकारी समझे जाते हैं। जीवन में किसी तरह के तड़जोड़ नहीं करते, अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाले लोग आपने देखे होंगे। दुनिया की सच्चाई को ठुकरा कर खुद की मनमानी करने की जो वृत्ति रखने वाले कुछ लोग हैं, प्रवाह के खिलाफ लड़ने की एक धारणा लेकर जोश निर्माण करने वाले लोग हैं, एक योद्धा की तरह, ग्रीक गॉड की तरह, एक वॉरियर भी इनको कहा जा सकता है, कि जितने ताकत से अपने जीवन में सफलता अर्जित करते हैं, उतने ही शूरता से पराजय को भी स्वीकारने की एक क्षमता रखने वाला यह नक्षत्र। जिनके भी घर में इस नक्षत्र पर जन्म आदमी होगा, वो बस उनके परिवार के लिए एक स्तंभ बन गया होगा। इस नक्षत्र के चार चरणों में पहला और तीसरा चरण तो बहुत ही शुभ पाया जाता है। वह व्यक्ति अपने घर का भाग्योदय कराता है। घर के दुर्भाग्य को समेटने का, निपटाने का कार्य इस नक्षत्र के दो चरण करते हैं। कहते हैं इस नक्षत्र पर अगर हम पीपल का पौधा किसी नदी किनारे लगते हैं तो हमारे कुल का भाग्योदय भी होता है। इस नक्षत्र पर पीपल के वृक्ष को गले लगाना, उसे चूमना या उसके नीचे ध्यान करना, यह बुद्ध संप्रदायों में बहुत ही प्रचलित है। गौतम बुद्ध ने अश्विनी नक्षत्र और अश्वत्थ वृक्ष पर बहुत ही सुंदर भाष्य एक पाली भाषा में किए हुए भी है। उसका उल्लेख यहाँ तो नहीं हो सकता, लेकिन एक स्मृति में है। आज अगर आपको इस नक्षत्र पर कुछ करना हो तो अपने दुर्गुणों को एक कागज पर लिखकर उसको जलांजलि नदी को अर्पण करा सकते हैं, या उसको अग्नि के स्वाहा कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर मौका है, करें अपने दुर्गुण अवगुण की नोंद और उसको दुरुस्त कराने का संकल्प, तो यह नक्षत्र आपको अनुदान भी देगा और आपका
बहुत ही विचार धन से संपन्न कराएगा, प्रकृति की सुरक्षा का विश्वास भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आज के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहो तो वही समय है जो आज का शुभ समय, सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक, दोपहर 12:15 बजे से 2 बजे तक, रात को 6:30 बजे से रात 9 बजे तक। हालांकि खास श्रेष्ठ काम करने वालों के लिए मुहूर्त का कोई खास ये नहीं रहता। जो दिन का प्रारंभ बहुत ही ताकत से शुभ कार्य से करता है, उदारता के धनी होते हैं, कल्याणकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके लिए कोई बुरा मुहूर्त होता नहीं है। हाँ, थोड़ा राहु काल वगैरह होता है कि जिसमें देवताएं सो जाती है और शैतान सामने आ जाते हैं, इसलिए राहु काल का बहुत ही गवगवा होता है, तो उसमें वो वर्ज्य तिथि मानी जाती है। उस समय को टालने से हम पर देवताएं नाराज नहीं होती, भाई मैं सोया था तो तुम उठे क्यों, इस तरह का वो राहु काल होता है। अब जान लेते हैं हम आज के एक महत्वपूर्ण दर्शक का प्रश्न। दर्शक है श्री दड़वी। दड़वी जी ने पूछा है कि पंडित जी, इन दिनों अभी कोरोना के पर्व काल में, आप तो पर्व काल कह रहे हैं कोरोना को, कोई महाकाल कर रहा है कह रहा है, कोई बुरा काल कह रहा है, कोई इसको अरिष्ट काल कह रहा है, लेकिन आप कि इसको पर्व काल कर रहे हैं कह रहे हैं, तो हमें बताइए कृपया कि भाई इस माहौल में अपने व्यवसाय को बढ़ाने का एखादा अच्छा सुंदर सा तरीका दीजिएगा। देखिए दड़वी जी, आप तो लीकर के बिजनेस में हो, आपके बिजनेस में तो कोई कटौती रुकावटें है ही नहीं। लीकर का बिजनेस तो सदा सर्वदा, क्योंकि वो लोग किसी को नहीं मानते। और दूसरा यह है कि आज के ज़माने में अगर समय अनुकूल चले, परिस्थिति वश चले, तो सबसे पहले टैलेंट वालों के दिन आने वाले हैं। जिनमें टैलेंट है उनको कोई रोक नहीं सकता, उनको कोई कमज़ोर नहीं बना सकता। और दूसरा, जिनके पास थोड़ी पैतृक जायदाद है, पेंशन है या उपार्जन के लिए घर में व्यवस्था है, वो अपने गुजरान कर सकते हैं अच्छी तरह से। तीसरा जो आदमी है जो कष्ट पर के भरोसे पे है, भगवान के भरोसे पे है या किसी तीसरे के भरोसे पे है, तो उसके लिए तो बड़ी ही शोचनीय अवस्था है, पता नहीं कब उसके घर में कौन सी आपत्ति आ जाए। इसलिए आपको अगर आपके कारोबार को बढ़ाना है तो टैलेंट को विकसित कीजिएगा। वैसे तो मुझे आपको देख के एक टैलेंटेड पत्नी आपको मिलने के योग दिख रहे हैं। इस साल में आपकी फरवरी तक शादी हो ही जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको प्रेम विवाह करने की इच्छा है, आपका प्रेम विवाह ही हो जाएगा। हाँ, और आपका परिवार आपके पीठ पीछे खड़ा रहेगा, और आपका भाग्योदय भी फरवरी से बिल्कुल शुरू हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाएगा, और बहुत ही जल्दी आप अपने परिवार में जो आदर प्राप्त किए हुए हो वो एक सम्मान में भी रूपांतरित हो जाएगा। आपने हमें इस कार्यक्रम के दौरान प्रश्न पूछा, इसलिए आपका सिटी न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके बाद देख लेते हैं कि आज के अश्विनी नक्षत्र पर जिन जिन बालकों ने जन्म लिया है वो तो महान भाग्यवान परिवार है। उनके माता पिता को तो 4 चांद लग जाएंगे किस्मत में कि घर में बुलंदी आई है, हौसला आया है, शक्ति आई है। भय और डर का माहौल आपके घर का समाप्त होने वाला है। आपके बच्चों को आशीर्वाद, आप और आपका भी अभिनंदन। आज जिन जिन लोगों का जन्मदिन हो उनको हमारी सिटी न्यूज चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे दर्शक हो, हमारा मूल्यांकन करते हो, हमें सुनते हो, यही बहुत है। थोड़ा लाइक और कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, तो हमें और अच्छा लगेगा। इसके बाद जान लेते हैं आज के एक दर्शक का भविष्य। आज के दर्शक है वरुड तालुका से लोनी बेनोड़ा में रहने वाले एक बहुत ही मस्त युवक, नाम है पलाश निम्बोरकर। जन्म दिनांक है 3 फरवरी 1995। यह माता सुनीता वामनराव जी निम्बोरकर के सुपुत्र है। 25 साल की मस्त उम्र और फेब्रुआरी महीने का एक मस्त जन्म। कोई तो भी हेयर स्टाइल रखने का आपका शौक है होगा, हो सकता है किसी योद्धा के जैसा आपका रूप होगा, शिवाजी महाराज हो, राणा प्रताप हो। आपका व्यक्तित्व आपके परिसर में, आपके घर में बड़ा ही आकर्षक होगा। आपको आपके जीवन में चिंता यह है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही मैं बनाए रखूँ या उसमें कुछ परिवर्तन करूँ। तो देखिए, आपका 3 तारीख पहले हफ्ते का जन्म है फरवरी का, इसलिए आपका मन थोड़ा सा ठंडी जैसा है, जैसे ब्रीज हवा की लहरें आती है ना ठंड में, वैसे आपका मन
मचल रहा है, लेकिन आप अपने भविष्य का प्लानिंग करना उचित नहीं रहेगा। आपको किसी सहेली से या किसी स्त्री, मतलब माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसका परामर्श लेकर काम करना बड़ा ही हितदायक रहेगा। आपकी जो शक्ल है वो आपके पिताजी जैसी है और आपकी आंखें आपके माताजी जैसी है, लेकिन गुण आप में आपके माता पिता दोनों के भी नहीं है। या आपके आपको हमसे संपर्क करने के लिए निश्चित ही किसी स्त्री ने भेजा होगा, क्योंकि आपके कुंडली में स्त्री बहुत शुभ चिंतक है। जल्द से जल्द आप किसी स्त्री महात्मा को गुरु बना लीजिएगा, आपका भाग्योदय भी हो जाएगा, आपके मन की अनिश्चितता दूर हो जाएंगी, फिर आपके दिन जो आएंगे वो हमें भी याद रहेंगे और आप भी हमें याद से बताएंगे। आपने हमें इस कार्यक्रम के दौरान भविष्य पूछने का अवसर प्रदान किया, इसलिए सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी आइएगा, मिलिएगा, आपसे हम वार्तालाप ज़रूर करेंगे। इस पश्चात जान लेते हैं 12 राशियों का भविष्य कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि, अनिश्चित पीड़ाओं से, गुप्त समस्याओं से घेरे हुए हैं। कहीं राज खोलकर मन को हल्का करने की इच्छा है। सही पात्र नहीं मिला तो समस्या आ जाएगी। कहते हैं अपात्र को दान और कुपात्र को ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। थोड़ा रुक जाइएगा, सह लीजिएगा। वृषभ राशि के व्यक्तियों को एक शापित जीवन जीने का अनुभव आ रहा है कि भाई ये तो घर का आदमी सब हमारे बच्चे की और हमारे भाग्य की मलाई जमा करके रखा हुआ है। ना हम गर्भवती थे तब हमारी सेवा की, ना हमारे बच्चों के लिए अच्छा पैसा लगाया, ना हमारे लिए अच्छा घर बना के रखा, सब पैसे इसने बैंक में जमा करके रखे हैं। आपके सारे शुभ चिंतक आपको शाप दे सकते हैं, आज पीड़ा हो सकती है आपको। मिथुन राशि के व्यक्तियों को जिंदगी का आज कंटाला आ जाएगा कि कुछ पड़ा नहीं है जिंदगी में, इससे तो मरना अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे ख्याल आना स्वास्थ्यदायक होता है, वो हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं, प्रेम को वर्धन भी कराते हैं। कर्क राशि के व्यक्तियों को तटस्थ पिता से बड़ी ही कष्ट होगा। कैसे करे, कैसा टकराव ले। अभी पत्थर को तो कोर के मूर्ति बना सकते हैं, लकड़े को भी, लेकिन ऐसा पिता मिला है न टस न मस, क्या करे, कान पकड़ के जिंदगी जीना पड़ेगा, उपाय नहीं। सिंह राशि के लोगों को बस अपने स्वतंत्रता का कोई उपयोग नहीं है। जो परिवार में आदेश है बस उसी का अनुशासन करना है, उसका ही अनुकरण करना है, यही जिंदगी है। दुय्यमता में समाधान आपके लिए सुंदर। कन्या राशि के व्यक्तियों को कहीं हमने गलत तो नहीं किया, इस बात का गम होगा कि मैंने जो निर्णय लिया है वो सही था या नहीं था, मैं जिसका समर्थन कर रही हूँ ये सही है या गलत है, लॉजिक में तर्क में पड़े रहेंगे। लेकिन आपको एक दिन कर्मठ होकर, तटस्थ होकर खुद का निर्णय लेना ही पड़ेगा। कन्या राशि के व्यक्तियों को आज अपने से भव्य दिव्य सफल व्यक्ति को देखकर जलन की महसूस होगी कि ऐसा सुख और वैभव मेरे भी जीवन में आना चाहिए, ऐसा लगना बहुत ही अच्छा होता है। हम भीतर से कहीं तो भी प्रेरित हो जाते हैं कुछ करने के लिए। शुभ दिन है आपके लिए। तुला राशि के लोगों को किसी की बराबरी न कर सकने का गम रहेगा कि मेरा जीवन मान, मेरा खान पान, मेरा रहन सहन सबके बराबर नहीं है। हमारी उंगलियां और हर आदमी सब बराबर नहीं होते, लेकिन हर अपने अपनी जगह पे सही होते। प्रकृति उन्हें अपना अपना अनुदान देती रहते हैं, आप भी उसमें से एक है, समाधान मानिएगा। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने दरिद्रता का बहुत कंटाला आ जाएगा। कितना जी जान से मेहनत करूँ, कितने पैसे जोड़ जोड़ को दिन निकालूँ, कितने उधारियाँ फेरते रहूँ, कितने के लिए मैं झटता रहूँ, अपने कष्ट से परेशान हो जाएंगे आज आप। लेकिन छुटकारा मिलने का राह भी इसी जन्म में मिलती रहती है। धनु राशि के व्यक्तियों को चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट रहेंगी कि मेरे वश में मेरा परिवार है, मैं यहाँ की रिंग मास्टर हूँ, सब मेरे मुट्ठी में है, सब मेरे बस में है। लेकिन जब सब हमारे बस में होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, सारा पाप हमको लगता है। तो ज़्यादा जोश में रहना आपके लिए ठीक नहीं है,
सबके प्रति समभाव रखना, प्रार्थना भाव रखना ही हितदायक है। मकर राशि, मकर राशि के लड़के को किसी से दुश्मनी कराने का योग प्राप्त हो जाएगा। कोई छोटे से एक्सीडेंट के बहाने दो दो बातें हो जाएंगी, जिसमें जोश में होश खवाकर नहीं वो प्रसंग सामने देखना पड़ सकता है। मूक बन के रहना फायदेकारक नहीं, समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के व्यक्तियों को अपने बड़प्पन के लिए माहौल नहीं लग रहा, जैसे ट्यूब में की हवा निकल गई, ढकेल के लेके जा रहे, ऐसी जिंदगी हो गई है। पढ़ तो गए हैं नेता, राजनेता, बड़े कार्यकर्ता, संगठक, लेकिन तारीफ करने वालों का जुगाड़ कहाँ से लाऊं? समस्या बनी हुई है, समाधान आप ही ढूंढेंगे। मीन राशि, मीन राशि के व्यक्तियों को आज किसी की मस्ती मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा, किसी हस्ती को जलील कराने का मौका मिल जाएगा। समय समय में आप अपनी मन की बातें खोलकर माहौल को मजबूत बनाने वाले हो। आपका दिन है आज। चलो यहाँ पर आज 12 राशियों का भविष्य कथन समाप्त करते हैं। आप भी दर्शक, हमारे लिए शुभ दर्शक बनकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हो। आपका संपूर्ण नाम आपके जन्मतिथि के साथ इस नीचे दिए हुए नंबर पर भेजिएगा, और आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, नई भविष्य पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम आप YouTube पर सब्सक्राइब करके रोज देख सकते हो, सवाल भी पूछ सकते हो। इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसको आप अपने WhatsApp स्टेटस पर डाल दो वहाँ से, या अपने Facebook पर डाल दो, या और कहीं अपने इष्ट मित्र परिवारों को, रिश्तेदारों को भेजो। आपको बहुत ही खुशी मिलेगी और हमें समाधान। आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत। मैं प्रकाश वाघ आज लेता हूँ अलविदा। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।